छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए हर महीने महिला सहायता समूह को लाखों रुपए का भुगतान करती है, जिससे बच्चे कुपोषण के शिकार ना हो सके। लेकिन ग्राम पंचायत मोहतरा में संतोषी वंदना सहायिका समूह को रेडी टू ईट फूड गुणवत्ताहीन है, जिसे बच्चों को नहीं खिलाया जा सकता। एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना भटगांव के तैयार भोजन का वितरण संतोषी वंदना समूह करता है। यहां से रेडी टू ईट फूड 35 गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा जाता है, जिसमें कीड़े और गंदगी साफ साफ नजर आ रहे हैं, जो बच्चों को खिलाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। बिलाईगढ़ ब्लॉक के गद्दा डीएस सेक्टर में 750 ग्राम के पैकेट में आहार निर्धारित मात्रा से कम रहने की शिकायत भी बलौदाबाजार कलेक्टर से की गई, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परियोजना अधिकारी मुन्नी पंत ने जांच करने के आदेश जारी किए हैं। दूसरे दूसरे जगह का समूह का ला करके दे रहे हैं। आप बोल कर नहीं देखे क्या समूह वाले को इस टाइप का घटिया मत दिया जाए? ऐसा बोले नहीं हूँ, कल वितरण की हूँ तो देखी हूँ। अच्छा, क्या तो यहाँ पर खाने योग्य नहीं है? खाने योग्य नहीं है। तो ये महतारी लोग जो आपके द्वारा वितरण किया जा रहा है, वो लोग तो फिर खा नहीं पा रहे होंगे? उन लोग से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे खाने योग्य नहीं है करके, वो लोग बोलते हैं। कौन समूह होते हैं वो लोग, समूह के नाम क्या है? एमा देखे जाते कि मैं वो कई समूह के यहाँ पर स्टिकर लगे हुए हावे, बोला कौन दी सावे? समिति दे। कौन समिति? समिति के नाम बताओ। संतोषी। संतोषी। कोई खाए थे हमारे जैसे अपने भी माजी से? कहाँ लगे हम? कोटो कीड़ा लगे। ऐसे? कोटो कीड़ा है, वो खाने हो के हाय बेचने करे साहब। आप खुद निकाल के देखो। मैं खुद फाड़े हाँ पन्ने ला पोलोथीन ला और खुद बोला चाले हाँ चंदे में। कौन समूह होते थे यहाँ? संतोषी समूह। हम भी कुछ लोग हम नहीं जानते हैं, वो जानेगा वो करे थे। साफ है हमारा, हम हमारा समूह के नाम से हम डालते हैं। कार्यकर्ता का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जो समूह द्वारा जो वितरण किया गया है उन्हीं के द्वारा उसको दिया गया है, यहाँ दे दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग को द्वारा देखा नहीं जाता है। हमारे समूह के नाम से देता है। अखिल, जल जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बिलाईगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिल, क्या अब कीड़े मकोड़े युक्त भोजन करके छत्तीसगढ़ से कुपोषण दूर होगा? कुपोषण से आजादी कीड़े मकोड़ों से मिलेगी अब छत्तीसगढ़ को? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये छत्तीसगढ़ सरकार लगातार समूह को लाखों रुपए रेडी टू ईट फूड बनाने के लिए दिया जा रहा है, ताकि बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जा सके। लेकिन ब्लैकर ब्लॉक के गाटली सेक्टर के अंतर्गत मोहतारा में संतोषी वंदना महिला सहायता समूह के द्वारा रेडी टू फूड निर्माण किया जा रहा है। पूरी गंदगी जगह पर इन लोगों के द्वारा फूड निर्माण किया जाता है, जहाँ पर फूड पूरी तरीके से जो रहते वो खराब हो जाते हैं, वही जो सेक्टर पर पहुंचते हैं रेडी टू फूड, वो बच्चों को देने के योग्य नहीं रहते, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े साफ तौर पर नजर दिखते हुए नजर आते हैं, जो खाने की योग्य नहीं रहते। अगर बच्चों को खिला दिया जाए तो उसकी तबियत खराब हो जाती है, इसलिए जो वहाँ पर महिलाएं रहती है, महिला जो गर्भवती महिला, वो रेडी टू फूड लेने के लिए तो आते हैं, लेकिन उसको बच्चों को ना खिलाकर पशुओं को खिलाया जा रहा है, ताकि उसमें। संजय साहू शिकायत करता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संजय जी स्वागत है, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सर, बताइए। संजय जी, क्या परेशानी आ रही है? जो रेडी टू ईट के तहत बच्चों को भोजन बांटा जाता है आंगनवाड़ियों में, क्या परेशानी है उसमें, किस तरह की आपकी शिकायत है? गुणवत्ताहीन है सर पूरी तरह से रेडी टू ईट फूड जो है जी, समूह द्वारा जो निर्मित करके भेज रहे हैं रेडी टू ईट फूड, उसमें कुछ कीड़ा वगैरह निकल रहा है, खाने लायक नहीं है सर। जो गातबी सेक्टर में समूह चला रही संतोषी वंदना समूह जी, बहुत लोगों का शिकायत है, बीच में अब 10-12 ग्राम पंचायत भी शिकायत किया हुआ था इसमें, जहाँ पे 15-17 केंद्र आते हैं। जी सर। तो संजय जी, कब से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं? कब से शासन की योजनाओं को यहाँ पर पलीता लगाया जा रहा है? बहुत दिन हो गए सर, जब से मिला है कर रहे होंगे, लेकिन जानकारी में आने के बाद, लोगों की शिकायत आने के बाद, हम लोग ने कलेक्टर और जिला कार्यक्रम अधिकारी को शिकायत किया था लिखित में, तो जिसकी जांच अभी तक नहीं हुई है, शायद जांच हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई जानकारी नहीं मिला है। कब आपने शिकायत की थी और जिनसे आपने शिकायत की थी, जिला कलेक्टर की बात कर रहे हैं आप, क्या आश्वासन उनके द्वारा दिया गया, कोई ठोस आश्वासन मिला? हाँ, कड़ी कार्रवाई करेंगे, समूह के जाँच करवा कर उसको जाँच कराएंगे करके, लेकिन अभी तक जाँच नहीं हुआ है। 19 तारीख को हुआ था छठवां महीना में शिकायत जो है जी, 2020।
जून 2020 में शिकायत की थी आपने? जी जी सर, इसमें बहुत सारे सरपंच लोग किए थे आसपास के जो सेक्टर हितग्राही आंगनवाड़ी है वहां पर से। ठीक है, यानी कि 2 महीने से ज्यादा बीत गए हैं और अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। संजय शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अखिल मेरे संवाददाता लगातार बिलाईगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिल आपके पास आना चाहूंगा, 2 महीने हो गए हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के सरपंच, तमाम लोग शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, बता दूं कि मैं इसमें सिर्फ जी जो जो महिला परियोजना अधिकारी है यहाँ पर मुनिपन जी है, उसे हमारी बात हुई तो मुनिपन मैडम का साफ तौर पर यही कहना है कि जांच किया जाएगा, लेकिन जांच करने का नाम पर सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति किया जा रहा है, जबकि 2 महीने हो गए इसको शिकायत किए कलेक्टर से, जिला परियोजना अधिकारी से, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि बच्चों को कोऑपरेटिव फूड के साथ नाम से बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खेल बने रही है। सुशीला साहू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुशीला जी स्वागत है, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ सर। सुशीला जी, का कीड़े मकोड़े युक्त भोजन करके अब छत्तीसगढ़ के बच्चे पोषित रहेंगे, कुपोषण दूर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, इसमें तो कुपोषित बढ़ेगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे। जी लेकिन आंगनवाड़ियों में तो इस तरह का भोजन दिया जा रहा है ना, रेडी टू ईट के तहत दिया जा रहा है सर, सूखा राशन है, पैकेट में रहता है, हम लोग खोल के देखते नहीं है, हितग्राही जैसे आते हैं पैकेट के पैकेट हम लोग दे देते हैं। जी तो लोग देखते हैं जी, तो खाते नहीं है कोई, कीड़ा मकोड़ा रहेगा तो कहाँ से खाएगा। तो कब से खराब राशन आपको मिल रहा है ये? अब पिछले 7 महीने से तो ऐसे दे रहे हैं सर, और हम लोग खोल के नहीं देख रहे हैं, यानी कि लॉकडाउन लगातार उससे पहले से आपको इस तरह का खराब राशन दिया जा रहा है और कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। नहीं होती है सर। आप किन किन के पास जा चुके हैं शिकायत करने के लिए सुशीला जी? मैं तो सुपरवाइजर के पास लगाई हूँ सर, तो उसका मोबाइल ही नहीं लगा जी, कल बात की हूँ तो पता नहीं कैसे नहीं लगता तो बोली जी, और बात करूंगी उन लोगों से बताऊंगी बोली जी। जबकि हमेशा ऐसी आ रहा है सर, मेरे हितग्राही है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी शिकायत सुनी जाएगी और सत्ता के हुक्मरानों के कानों तक ये आवाज आपकी जाएगी और बच्चों को एक अच्छा खाना मिलेगा, स्वच्छ खाना मिलेगा। बहुत शुक्रिया सुशीला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिल लगातार जुड़े हुए हैं। अखिल, बड़ी परेशानी में है ये लोग, क्योंकि लंबे समय से 7 महीना बहुत होता है और 7 महीने से ये कीड़े युक्त खाना खाने के लिए मजबूर है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। जून 2020 में भी शिकायत की गई कलेक्टर साहब से, लेकिन कलेक्टर साहब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर क्या होगा? अखिल चलिए तकनीकी खराबी के चलते अखिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोरोना वायरस काल